क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 12.1, क्लास सिक्स मैथमेटिक्स। सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ, इनके रेशियो फाइंड करना है किसका, नंबर ए। ए क्या कहता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपॉन, रेशियो निकालना है अपॉन नंबर ऑफ सर्कल्स, इनसाइड द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल सब ना, इसके अंदर देखना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल है, 1 2 3, तीन अलग तरह के ट्राइंगल है, दो लाल और एक क्या, इससे कोई मतलब नहीं। और नंबर ऑफ सर्कल कितना, 1 और 2, इज इक्वल टू 3:2, रिक्वायर्ड रेशियो। इज 3:2। बी बी कहते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स अपॉन किससे निकाल, ऑल द फिगर्स इनसाइड द ट्रायंगल, नंबर ऑफ फिगर्स नंबर ऑफ स्क्वायर्स ढूंढो, कितने, एक और एक, दो, और सारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, सारी फिगर में स्क्वायर भी दोबारा काउंट होगा, 2:2 7। रिक्वायर रेशियो इज 2:7। सी सी पार्ट क्या कहते हैं भाई साहब, नंबर ऑफ सर्कल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ सर्कल ही लिखा जाएगा ऊपर, कुछ भी नहीं है। टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, इसमें भी ऑल द फिगर है, नंबर ऑफ फिगर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कल्स कितने, 1 2, नंबर ऑफ फिगर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा के लिए हमने 7 की 7 ही रहेगी, बड़ा एक और कम तो नहीं होंगी, 2:7, ये तो सेम ही आ गए, रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। इससे ये पता चलता है दो अलग अलग चीज़ों का भी रेशियो सेम हो सकता है, कई चीज़ों का भी सेम हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे ये खत्म होता है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये फिगर दे रखी थी, इसी के अंदर से देखना था, सर्कल्स देखने थे, कितने, दो सर्कल हैं, और ट्राइंगल्स का रेशियो सर्कल से था, पहले ट्राइंगल्स गिन लिए कितने, 1 और 2 गिन लिए, सर्कल्स गिन लिए 1 2 और 3, ये भी है 3 सर्कल्स गिन लिए, और ट्राइंगल्स गिन लिए उसका क्या, सर्कल से कर लिया, सर्कल कितने, 2 थे, तो 3:2 हो गए, स्क्वायर काउंट करें, 1 और 2 हो गए, 1 और 2, नंबर ऑफ फिगर्स 1 2 3 4 5 6 7 7, 2:7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहीं खत्म होता है। ओके।